गाइस, राम राम। स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आपका भाई ये ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त बनाएगा। मैं यार सोच रहा हूँ कि अपना सेटअप कर लूँ इस रूम में, मतलब वहाँ अपना स्टूडियो और इसमें लाइब्रेरी भी दोनों। मतलब पढ़ाई तो यार चल नहीं रहा है, 2-3 दिन से पढ़ाई बहुत ही गंदा चल रहा है, साफ चल नहीं रहा है। और मेरा एग्ज़ाम भी है, BA Part 2 का मेरा एग्ज़ाम भी है, और पढ़ाई भी नहीं चल रहा, मतलब एकदम गंदा ही पढ़ाई चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मैं अपना स्टूडियो स्टूडियो बना लूँ। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ सारा मेरा सेटअप रहेगा। और ये जो बुक वगैरह है, वहाँ तो पढ़ने का व्यवस्था है, कुछ यहाँ भी है। मतलब हम दो लोग हैं, हम भानु रहते हैं इस रूम में, और यहाँ अपना स्टूडियो का लुक दूँगा। मतलब इस चौकी को साफ है, इसको यहाँ से हटा दूँगा, यहाँ स्टूडियो का लुक दूँगा। और मस्त कुछ स्पेस भी रहेगा, रूम बहुत बड़ा है तो स्पेस भी बहुत अच्छा रहेगा स्टूडियो को बनाने के लिए। यहाँ शॉर्ट, क्योंकि और स्टूडियो रहेगा तो शॉर्ट वीडियो भी सही से शूट कर पाऊंगा, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट वीडियो भी शूट कर लेता हूँ। मेरा एक और चैनल है जो नीरज ब्लॉग से है, उस पर शॉर्ट वीडियो भी शूट करता हूँ, कभी कभी मतलब कभी काल लॉन्ग वीडियो उस पर शूट कर देता हूँ। और अपना मतलब मस्त बगल में अपना बेड भी रख लूँगा, यहीं पे दो बेड रहेगा, एक हम एक और भी कोई आएगा तो यहाँ, और बगल में अपना स्टूडियो, वहाँ बुक, इधर लाइब्रेरी का व्यवस्था, पूरा एकदम सेटअप बट यार सही एक से और कर सोचा लूँगा। है ये कि मतलब आप लोग ये दरवाज़ा देख ही रहे हैं, मतलब दरवाज़ा भी है तो थोड़ा मतलब लोग हमेशा आएंगे जाएंगे। जस्ट इसके बगल में ये मेरे मतलब मेरा रूम का दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा जो अंदर आने वाला, और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं इससे अंदर जाने वाला मतलब घर भी है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ ये रूम को ले लूँ, ये रूम भी बहुत सही रहेगा। थोड़ा इसमें मतलब बहुत सर सामान इसको हटाना पड़ेगा, बट ये रूम बहुत ही सही रहेगा। ये देखते हैं इस रूम को, देख लीजिए, ये रूम में बहुत सारा सामान है। थोड़ा सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस रूम में, बट कोई नहीं, क्योंकि ये रूम मतलब किसी चीज़ से अटैच भी नहीं है और इसमें कुछ है भी नहीं, तो और भी सही रहेगा। इस सब मैं हटवा दूंगा यहाँ पे अपना स्टूडियो। मैं सोच रहा हूँ इस रूम को पूरा अपना स्टूडियो ही बना लूँ। अगर इस रूम को मैं स्टूडियो बनाऊंगा तो और भी सही रहेगा। मतलब ये सब सारा सामान हटा के वहाँ पर स्टूडियो का व्यवस्था, और यहाँ पर अपना जो रहेगा सेटअप वो रहेगा, और सोने का व्यवस्था मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, इसको साफ हटा लूँगा। इसको हटा देने पर सोने का व्यवस्था फर्स्ट क्लास का यहाँ हो जाएगा। उसके बाद लाइब्रेरी इस रूम में नहीं, लाइब्रेरी उस रूम में, लाइब्रेरी के लिए बहुत सही रहेगा। जस्ट बगल में ये रूम मेरा रहेगा, इसके बगल में जस्ट वो रूम रहेगा, बस ये मेन दरवाज़ा अंदर। बाहर जाने का भी दरवाज़ा सही से है, और इसको हटाने के बाद ना सही हो जाएगा। ऊपर भी थोड़ा सेटअप वटअप है जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं, ऊपर भी पूरा व्यवस्था फर्स्ट क्लास का, मतलब जगह बहुत है, स्पेस बहुत है। इसलिए देख लीजिए माल माल खाए हुए इंसान, देख लीजिए, देख लीजिए, एकदम बेहुदा हो गया है, बहुत बात कर रहा है, देख लीजिए इसको, देखिए देखिए एकदम से देखिए। तो गाइस आइए मिलवाते हैं बागेश्वर वाला बाबा से। मतलब सुबह सुबह ही दिखाई दे दी, एकदम सुबह सुबह हम जैसे जगह लाइटिंग करके आए तो पूरा मतलब टंकी पर बैठे हुए थे। न्यू घर बना है हमारे गांव में, तो ये टंकी पर बैठे हुए थे, और बहुत बड़ा थे यार, मतलब रंग लंगूर था, बहुत बड़ा था चेहरा, एकदम उसका ब्लैक ब्लैक था यार। एक बार तो लखेद लिया, फिर इधर यहाँ आए मेरे छत पर आया, तो मैं इसको बिस्कुट खिलाया, मतलब मैं चाचा जी के छत पर आया, मैं बिस्कुट खिला, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, मतलब नीचे बिस्कुट और फेंक रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा काला था, देख ही रहे हैं कि चेहरा कितना काला, अरे कैमरा भी ब्लर कर दे रहा था, अच्छा से नहीं आ रहा था कैमरा वगैरह। बहुत ही गंदा धूप निकला है यार, बहुत ही गंदा धूप निकला है। और आप लोग तो देखे हैं हनुमान जी आए थे, बागेश्वर वाला बाबा, हम लोग उनको पसंद नहीं किए, बट वीडियो में भी आप लोग देखिएगा, वीडियो भी बनाए हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। बिस्कुट बिस्कुटों उनको खिला नहीं, तो डर रहे थे, बिस्कुट और फेंक रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। धूप तो बाहर एकदम नेक्स्ट लेवल का निकला है यार। तो फाइनली गाइस इस वीडियो को एंड कर जाइए, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।